तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर आपका देखिए, कंपनी सबसे पहले आपका क्या करती है वो देखते हैं हम लोग हैं। कंपनी सबसे पहले आपका शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर। किस चीज से करती है इशू? प्रोस्पेक्टस, जो कि पहले अभी पढ़ चुके हैं। अगर कंपनी को शेयर इशू करना है, अगर कंपनी को शेयर इशू करना है तो उसे क्या इशू करना पड़ेगा? पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। शेयर इशू करने से पहले क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस, यानी कि आपका प्रोस्पेक्टस मींस टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब द शेयर्स, टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब द शेयर। अब कंपनी वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कोई ना कोई नेचुरल ह्यूमन बींग होगा जो इसके बिहाफ पर सारा काम करेगा। तो वो देख लेते हैं कौन है आपका है इस कंपनी के बिहाफ पर आपका। तो वो आपका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही आपका है जो आपका कंपनी के बिहाफ पर शेयर इशू करेगा, अलॉट करेगा। सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर आपका है। तो हम लोग शेयर आपका इशू करने से पहले कंपनी क्या इशू करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और उस प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन आपका डिटेल में दिया रहेगा, और कंपनी की तरफ से आपका एक ऑफर जाएगा यानी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक, और इसके साथ आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी। क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी आपको देना पड़ेगा, यानी कंपनी ने यहां पे क्या किया, आपको ऑफर किया। कंपनी ने यहां पर शेयर आपको लेने के लिए ऑफर किया, इनवाइट किया, हाउ टू सब्सक्राइब द शेयर्स। तो कंपनी ने आपसे क्या ले लिया? एप्लीकेशन मनी ले लिया। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका एप्लीकेशन मनी आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब एप्लीकेशन मनी आ गया, अब आगे क्या होना है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर होना है, क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है। तो जाहिर सी बात आपका है कि वो क्या करेगी, अब अलॉटमेंट करेगी आपका, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी, कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करेंगे किसको हमको देना है, किसको नहीं देना है, किसको अलॉट करना है, किसको नहीं अलॉट करना है। सारा जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर हो जाएगी। तो वो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की तरफ से क्या बन गया? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जिसको क्या पावर दिया गया है? नाउ टू अलॉट द शेयर।
ठीक। अब जैसे ही शेयर का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, जिसको भी अलॉट किया जाएगा, मान लीजिए मिस्टर एक्स को अलॉट हो गया, तो मिस्टर एक्स बन जाएंगे कंपनी के शेयर होल्डर। यानी कि आपका जो है, जैसे ही कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया, पहले तो हमने ऑफर किया था, ठीक, अब इसके बाद से आपका यदि अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो जाता है तो वो आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये हो गया एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया बिटवीन कंपनी और किसके बीच में, शेयर होल्डर के बीच में। जैसे ही शेयर अलॉट हो जाएगा, दोनों के बीच में आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, डायरेक्टर ने शेयर तो अलॉट कर दिया, तो इट मस्ट बी कम्युनिकेट, हमें क्या करना पड़ेगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, आपका कम्युनिकेशन करेंगे, यानी उन शेयर होल्डर मिस्टर एक्स को इन्फॉर्म करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि एब्सोल्यूट होना चाहिए आपका, यानी अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी प्रकार का आपका शर्त नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल आपका होना चाहिए, नॉट अगेंस्ट एनी लॉ, नॉट अगेंस्ट एनी लॉ, यानी लॉ के अगेंस्ट भी आपका नहीं होना चाहिए, और एक रीजनेबल टाइम में आपका क्या होना चाहिए, रीजनेबल टाइम में आपका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। तो कौन अलॉट करेगा, वो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नाउ द प्रॉपर अथॉरिटी टू अलॉट द शेयर्स, और दूसरा इट मस्ट बी आपका कम्युनिकेट, हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल हो, किसी प्रकार कोई कंडीशंस नहीं लगा होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट आपका नहीं होना चाहिए, और एक रीजनेबल टाइम में आपका शेयर क्या हो, अलॉट हो जाना चाहिए। तो ये आपका एक जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गया। प्रिंसिपल्स को मैं फिर भी रिकॉल कर रहा हूं, अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको कि पावर दिया गया कंपनी की तरफ से नॉट टू अलॉट द शेयर, शेयर आपका मस्ट बी आपका मेड विद इन रीजनेबल टाइम, द अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट और एन अनकंडीशनल होना चाहिए, अलॉटमेंट आपका मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अलॉटी, यानी अलॉटी को आपका कम्युनिकेट होना चाहिए, अलॉटमेंट शैल ओनली बी मेड अगेंस्ट, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका कि अलॉटमेंट आपका जो है वो जो आपका है अलॉटमेंट शैल ओनली बी मेड अप्लीकेशन मनी, अगर एप्लीकेशन मनी ही नहीं आया है तो अलॉटमेंट होगा ही नहीं, यानी ये जो आपका एप्लीकेशन मनी है जो कंपनी ने ऑफर किया था आपसे कि आप अपना एप्लीकेशन मनी दीजिए, तो वो जो एप्लीकेशन मनी आपका है वो कंपनी के पास आना जरूरी है, उसी के बेसिस पर आपका अलॉटमेंट शेयर किया जाएगा। तो अलॉटमेंट शैल ओनली बी मेड, अलॉटमेंट shall only be made application money, तो allotment आपका shall only be made on application, made against आपका application money, made against application money, तो और allotment आपका should not be contravention of any other law, यानी law के against नहीं होना चाहिए।
ये एक जनरल प्रिंसिपल्स आपका है रिगार्डिंग आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कुछ हम प्रोविजंस देख लेते हैं. प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, what are the procedure for allotment of share. सबसे पहला आपका जो procedure है वो filing prospectus with ROC. Filing prospectus with ROC, opening / closing 3 to 10 days of public issue. मिनिमम एप्लीकेशन मनी, एक मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपका है जो कि आपके नॉमिनल वैल्यू का कम से कम 5% रिसीव होना जरूरी आपका है. मिनिमम एप्लीकेशन मनी और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आपका है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप कितना है? 90%. अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता है 90%, तो वो फिर शेयर पब्लिक को आपका इशू नहीं करती है. यानी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% मिलना जरूरी आपका है. और इसके अलावा आपका देखिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, फिर कंपनी की तरफ से एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगा जो कि फॉर्म नंबर आपका है PAS 3. एक फॉर्म नंबर आपका हो गया PAS 3 और उसके बाद आपका अलॉटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कौन अलॉट करेगा शेयर? अलॉटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी अगर शेयर अलॉट करना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे. और विच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज पास्ड, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. यानी कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अगर कंसेंट दे देते हैं तो आपका शेयर अलॉट कर दिया जाएगा. और एस्क्रो अकाउंट फॉर पब्लिक इशू, एस्क्रो अकाउंट फॉर पब्लिक इशू. This is the procedure for allotment of share. This is the procedural step. किस तरीके से, how to allot the share? कैसे allotment होगा, क्या process होगा, क्या procedure अपनाएंगे हम जिससे कि आपकी company जो है वो share allot कर दे. What are the process for allotment of share? तो फर्स्ट आपका जो प्रोसेस आपका है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए वो हम देखेंगे फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस विथ आपका आरओसी. सबसे पहले अगर कंपनी को शेयर अलॉट करना है तो एक आपका प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होगा किसके पास? आरओसी के पास. बिना प्रॉस्पेक्टस फाइल किए हुए सेबी के पास भी फाइल करना होता है, आरओसी के पास भी फाइल करना होता है. तो बिना प्रोस्पेक्टस फाइल किए हुए शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा. तो प्रोस्पेक्टस आपका पहला आपका प्रोसेस है कि अगर अलॉटमेंट करना है तो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल टू आरओसी. नाउ सेकंड आपका देखिए क्या बोल रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ
पब्लिक इशू, यानी जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, मस्ट बी कैप्ट फॉर ओपन एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज. द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी कैप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज. ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट आपका है वो कम से कम आपका 3 दिन, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, और साथ में नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज. तो 3 दिन से कम नहीं, 10 दिन से ज्यादा नहीं. ठीक, पब्लिक इशू के लिए. नेक्स्ट आपका, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राइट इशू की बात करेंगे तो आपका ओपन एटलीस्ट 15 डेज एंड नॉट मोर देन 30 डेज. ये आपका सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग आपका है कि इफ कंपनी आपकी अगर इशू करती है, राइट इशू लाती है, तो वहां पर आपका सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट आपका है शैल बी रिमेन ओपन एटलीस्ट 15 डेज एंड नॉट मोर देन 30 डेज. नाउ, और नेक्स्ट आपका इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका है मिनिमम एप्लीकेशन मनी. तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपको जो दे रखा है आपका है, वो आपका दे रखा है 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी. यानी जो भी उसके शेयर की फेस वैल्यू होगी उसका, यानी जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी, जो भी उसका पार वैल्यू होगा, उसका आपको मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% आपको देना रहेगा. तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना हो गया, 5%. ध्यान रखिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हमने लिखा है, 90%. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%. तो अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड ऑन एंड सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज. ठीक, जो भी एप्लीकेशन था वो अगर हमें जिस डेट को हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया और अगर 30 दिन तक हमें अगर नहीं मिलता है तो अमाउंट हमें रिटर्न करना होगा. और जो अमाउंट हमें रिटर्न करना होगा उसका टाइमलाइन आपका है 15 डेज के अंदर. कितना टाइमलाइन आपका है, विद इन 15 डेज के अंदर हमें रिटर्न करना पड़ेगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. और अगर हम मान लीजिए रीपे नहीं करते हैं तो डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली बी लायबल टू रीपे दैट मनी विद इंटरेस्ट एट 15%. कितना देना पड़ेगा, 15% पर एनम. तो ध्यान रखिएगा, इफ मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड, तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन मनी सपोज दैट इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो ऐसे केस में आपका जो भी कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है वो उसको रिटर्न कर दे विद इन आपका 15 डेज के अंदर. और अगर कहीं डिफॉल्ट करती है कंपनी, तो ऐसे केस में आपका जो भी आपके कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं, ये आपके सेल ज्वाइंटली एंड सेवरली आपके जो है लाबल हो जाएंगे टू रीपे दैट मनी विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. क्लियर हो गया. नाउ एंड नेक्स्ट आपका है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. तो कंपनी की तरफ से एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगा जिसमें सारा डिटेल आपका लिखा रहेगा. उस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में आपका जो है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नाउ आप कंपनी मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर इटसेल्फ फाइल विथ रजिस्ट्रार. कहां फाइल करेंगे इसको, ROC के पास. कंपनी को फाइल करना पड़ेगा ROC के पास आपका एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म नंबर PAS 3. तो PAS का फुल फॉर्म क्या है, मैंने पहले भी आपसे बता दिया था, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो किसी न किसी चैप्टर को आपका इंडिकेट कर रहा है.
तो ये PS3 यहीं पर आपका यूज किया जाएगा। PAS फॉर्म इस चैप्टर के लिए आपका है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए आपका है, उसमें से भी कौन सा फॉर्म नंबर है? PAS3 आपका है, PAS3 जो कि ROC को फाइल होगा एज अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। कौन अलॉटमेंट करेगा? द पावर गोज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी क्या पास करते हैं, कौन सा पास होगा? रिजोल्यूशन। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए पास करेंगे हम बोर्ड रिजोल्यूशन, पास डैट बोर्ड मीटिंग। तो ये हो गया 6 नंबर कि एक BR पास करना पड़ेगा और अलॉटमेंट की अथॉरिटी इसको है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैविंग अ पावर टू अलॉट द शेयर, ठीक। और कंपनी को इसके लिए आपका एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जो पैसा उसको मिल रहा है, यानी जो मिनिमम एप्लीकेशन आपका जो मनी आपका है 5%, जो कि आपका नॉमिनल वैल्यू के आपका 5% आपका एक मिनिमम एप्लीकेशन मनी है, उसके लिए कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन मनी को वहां पर वो जमा कर देगी और उसका नाम रख दिया गया एस्क्रो अकाउंट। क्या नाम रखा गया? एस्क्रो अकाउंट। किसके लिए आपका है? फॉर पब्लिक इशू। किसके लिए आपका है? पब्लिक इशू के लिए। दिस इज अ प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इस तरह से कंपनी जो है क्या करती है, शेयर का अलॉटमेंट करती है और ये प्रोसेस हमें अपनाना पड़ता है, यानी कि हमें पहले प्रॉस्पेक्टस एक ROC को फाइल करते हैं और एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट का आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का एक टाइम दिया हुआ है, नॉट लेस देन 3 डेज, नॉट मोर देन आपका 10 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक इशू। मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपका कितना होना चाहिए? 5%। 5% आपका किसका होगा? ये 5% आपका जो है वो नॉमिनल वैल्यू का, यानी फेस वैल्यू का या पार वैल्यू कह लीजिए, उसका 5% आपका वो हमारा कहलाएगा मिनिमम एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% आपका मिलना चाहिए। अगर कंपनी को नहीं मिलता है तो कंपनी जो है 15 डेज के अंदर उनका पैसा रिटर्न कर दे। जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव कर रखा है उसको विद इन आपका 15 वर्किंग डेज में रिफंड कर दे, रीपे कर दे। अगर रीपे नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में आपका जो है 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लगा करके देना पड़ेगा। और इसके लिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट में, PS3 फॉर्म आपका है। अलॉटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। विच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज पास पर अलॉटमेंट ऑफ शेयर? तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और पैसा जो एप्लीकेशन मनी आएगा वो कहां जाएगा? तो उसके लिए कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट आपका ओपन करती है और उसका नाम रखती है आपका है एस्क्रो अकाउंट, जहां पर आपका पैसा जो है डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और ये अकाउंट फॉर पब्लिक इशू के लिए आपका खोला जाता है, कंपनी एक खोलती है। नाउ अगर इसके प्रोविजंस में कहीं आपने डिफॉल्ट किया तो ऐसे केस में पेनाल्टी भी आपका है ₹1,000 each day, और डिफॉल्ट अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ₹1,00,000 विच एवर इज लेस। तो यानी पनिशमेंट भी आपका इन केस आपका इफ एनी डिफॉल्ट इन अबव द प्रोविजंस द कंपनी एंड ऑफिसर शैल बी आपका लायबल टू पेनाल्टी। जो पेनाल्टी कितना बताया गया है? फॉर ईच डिफॉल्ट ₹1,000 फॉर ईच डे, और अगर विच सेल डिफॉल्ट कंटिन्यू तो ऐसे केस में आपका ₹1,00,000 विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उतना पनिशमेंट भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट के बाद अब क्या इशू करना है कंपनी को? शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, शेयर सर्टिफिकेट। यानी आपका अलॉटमेंट के बाद अब क्या दिया जाना है? शेयर सर्टिफिकेट आपका दिया जाना है, इशू करना है। तो शेयर सर्टिफिकेट आपका जो है आफ्टर अलॉटमेंट या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर, हम तीनों चीज देखेंगे यहां पर। आफ्टर पहला आपका आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर विद इन
2 months. दूसरा आता है after 2 months or after transfer of share within 1 month. क्या इशू होना है? शेयर सर्टिफिकेट इशू होना है. किस फॉर्म पे इशू होगा? SH1 फॉर्म है आपका है, और उस शेयर सर्टिफिकेट पे आपका साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी और एनी ऑथोराइज्ड पर्सन और कह सकते हैं उस शेयर सर्टिफिकेट पे एंटरिंग द नेम ऑफ शेयर होल्डर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर. देखिए, समझिए इसको, जो मैंने अभी आपको एक डायग्रामेटली इसको मैंने आपको बताया है. सबसे पहले आपका अलॉटमेंट के बाद अब क्या इशू होना है? शेयर सर्टिफिकेट. किसको इशू होना है शेयर सर्टिफिकेट? किसको दिया जाता है? तो ये कंपनी के जितने भी आपके जिन्होंने आपका शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन सारे लोगों को आपका क्या इशू करेंगे हम लोग? शेयर सर्टिफिकेट आपका कंपनी इशू करेगी, यानी इशू टू द मेंबर्स. ठीक है? और जितने लोगों ने आपका अलॉटमेंट मनी आपका दे दिया है, तो कंपनी की तरफ से आपका शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. आफ्टर अलॉटमेंट है, कब कब इशू करेंगे शेयर सर्टिफिकेट? तो आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब इशू करेंगे, ये भी मैंने नीचे लिखा है आपको, है विद इन 2 months, यानी 2 महीने के अंदर आपको यानी कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में भी क्या टाइम दिया हुआ है वो देखेंगे आप, विद इन 2 month आपका. और आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी अगर शेयर फ्रॉम 1 person टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर के ठीक आपका 1 month के बाद आपका शेयर सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाना चाहिए. शेयर सर्टिफिकेट आपका जो इशू होगा, उसके लिए एक फॉर्म आपका प्रेस्क्राइब्ड है. फॉर्म आपका है SH1. इस फॉर्म पे आपका शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के द्वारा आपका इशू किया जाएगा, और उस शेयर सर्टिफिकेट पे आपका सिग्नेचर भी होना जरूरी है, तभी वो शेयर सर्टिफिकेट इज वैलिड. अगर साइन नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा. तो साइन भी आपका होगा, किसका साइन होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम 2 डायरेक्टर और 1 आपका है कंपनी सेक्रेटरी, जो का कोर्स कर रहे हैं आप, यानी आपका भी सिग्नेचर शेयर सर्टिफिकेट पे होना जरूरी है, और एनी ऑथोराइज पर्सन. अब इसके बाद से शेयर सर्टिफिकेट जो आपका इशू किया जाता है मेंबर को, उस पर हम क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे, उस पर हम आपका क्या क्या बताएंगे? तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे आपका जो है हम क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर, कितना आपने शेयर हेल्ड किया है. शेयर सर्टिफिकेट पे हम बताएंगे नंबर ऑफ शेयर, कितना आपने शेयर हेल्ड किया रखा है वो बताएंगे आपको. अमाउंट पेड ऑन ई शेयर, आपने कितना अमाउंट पेड किया है, अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, ये भी बताएंगे आपका, अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर. तो शेयर सर्टिफिकेट आपका जो है आपने कितना हेल्ड किया है, नंबर ऑफ शेयर ये स्पेसिफाई करेंगे हम शेयर सर्टिफिकेट पर, और अमाउंट कितना आपने पेड किया उन्हीं शेयर ये भी आपका स्पेसिफाई करेंगे. तो ये जो सर्टिफिकेट है इज ओनली ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यानी शेयर सर्टिफिकेट क्या है, ये एक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. शेयर सर्टिफिकेट इज अ
documentary evidence.